वेलकम बैक टू चैनल रॉड्स विकास वाचिंग वाइसर टेक। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे जो रियलमी का न्यू फ़ोन लॉन्च होने वाला है, जो कि रियलमी एक्स टू प्रो। बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि रियलमी एक्स टू लॉन्च हुआ था तो वो एक्स टू है और ये एक्स टू प्रो है, जो कि बहुत ही खास फ़ोन है और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ ये फ़ोन आ रहा है। लेकिन गाइस, इसमें जो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है कुछ अलग दी गई है और बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी दी गई, जो कि काफ़ी फास्टर चार्जिंग है और ये सपोर्ट करती है वूक चार्जिंग को। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इसमें जो वूक की चार्जिंग वो कितना फास्ट दी गई है और कितना फास्ट से ये फ़ोन चार्ज होगा। सो इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल अंदर तो बाद वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, चलिए आपको बताते हैं कि रियलमी का जो एक्स टू प्रो आ रहा है उसमें कौन सी ऐसी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई है जिसके बाद ये फ़ोन काफ़ी फास्ट से चार्ज होगा। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि वूक जो चार्जिंग है वो ओप्पो ने बनाई है और ओप्पो अपने हर एक फ़ोन में वूक की चार्जिंग लाता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग है और बहुत ही कम समय में हमें भारी कैपेसिटी वाला फ़ोन चार्ज हो जाता है। लेकिन गाइस, यहाँ पर रियलमी जो है वो वूक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है या फिर वूक को चार्जिंग को अपने फ़ोन में लाता है, क्योंकि रियलमी जो है वो ओप्पो का सब ब्रांड है या फिर ओप्पो की कंपनी ही मानी जाती है। तो रियलमी वूक को अपने फ़ोनों में यूज करता है और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन है जिसमें रियलमी ने अपने वूक चार्जिंग को यूज किया और यहाँ पे एक न्यू फ़ोन लॉन्च हो रहा है जो कि रियलमी एक्स टू प्रो। तो इसमें जो वूक की चार्जिंग है उसकी एक न्यू टेक्नोलॉजी है वूक की, जो कि सबसे फास्ट वाली है, उस वाले टेक्नोलॉजी को इसमें रियलमी यूज कर रहा है एक्स टू प्रो के फ़ोन में। सो यहाँ पे गाइस, जो यूज कर रहा है वो 50 वाट की चार्जिंग है, जो कि वूक सुपर फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शंस है। यहाँ पे फ्लैश चार्ज वाला ऑप्शंस मिल जाता है जहाँ पे हमारा फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। लेकिन इससे पहले रियलमी ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे 65 वाट की वूक सुपर फ्लैश चार्जिंग वाला बताया था, लेकिन उसे फिर डिलीट कर दिया क्योंकि वो सपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से अब रियल बात आ गई है कि अब यहाँ पे 50 वाट की चार्जिंग वाला ऑप्शंस मिल जाएगा, जो कि सुपर फास्ट वूक की चार्जिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे जो ओप्पो का रेने 2 लॉन्च हुआ था उसमें भी ओप्पो ने अपने वूक की इसी चार्जिंग को मतलब लगाया था या फिर इसी चार्जिंग को सपोर्ट किया था। तब वहाँ पे हमें जो 3700 mAh की बैटरी है वो बस 35 मिनट में 0% फुल चार्ज हो जाती है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है कि आधे घंटे के अंदर में 3700 mAh की, जो कि भारी कैपेसिटी वाली बैटरी, आधे घंटे के अंदर में फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पर रियलमी भी उसी चार्जिंग को यूज कर रहा है अपने रियलमी एक्स टू प्रो में। और रियलमी जो एक्स सीरीज के फ़ोन है काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी दी जाती है। और यहाँ पे इसमें एक और फीचर है जो कि काफ़ी कमाल का है रियलमी में, जो कि इसका कैमरा। यहाँ पे हमें 64 MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जहाँ पे गाइस हमें 20x ऑप्टिकल जूम वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ये बिल्कुल सेम फ़ोन में फीचर्स आ रहे हैं गाइस। जो फ़ोन ओप्पो रेनो 2 में आया था वही सारे फीचर्स इसमें भी रियलमी ला रहा है, लेकिन कुछ तो अलग ही करेगा। इसमें जो स्नैपड्रैगन है प्रोसेसर इसका 855, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 100 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। और गाइस, रियलमी एक्स टू प्रो बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन होने वाला है, चाहे इसके कैमरा हो, चाहे बैटरी हो, चाहे गाइस इसकी स्टोरेज हो, हर एक चीज़ इसमें अच्छी खासी दी जाती है। तो देखते हैं कि रियलमी एक्स टू प्रो में कितना फास्ट चार्जिंग हमें मिल जाती है। वैसे जो वो 50 वाट वाली चार्जिंग है वो तो काफ़ी जल्दी चार्ज कर देती है, तो डिपेंड करता है उसके बैटरी के ऊपर। तो देखते हैं कि रियलमी जो एक्स टू प्रो है इसमें बैटरी कैपेसिटी कितना दी जाती है। ओप्पो रेनो 2 में तो 3700 mAh की दी गई थी, तो वहाँ पे 35 मिनट में चार्ज हो गया था। अगर यहाँ पे 4000 mAh की दी जाएगी तो मुझे उम्मीद है कि 45 मिनट या फिर 40 मिनट में ये फुल चार्ज कर देगा। सो गाइस, यही कुछ हम आपको बताना चाहते थे कि वो जो रियलमी एक्स टू प्रो आने वाला है इसमें जो चार्जिंग है बहुत ही मतलब ओप्पो का वूक वाली का सबसे लेटेस्ट चार्जिंग इसमें लगाया जा रहा है, जिसके बाद काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी फास्ट ये फ़ोन चार्ज होगा और जिसके बाद हम बड़े आराम से इस फ़ोन को चार्जिंग करके यूज कर सकते हैं। सो गाइस, यही कुछ है इस वीडियो में, यही आपको बताना चाहता था कि रियलमी एक्स टू प्रो में क्या क्या एक्सपेंसिव आने वाला है और इसका मेन एक्सपेंसिव इसकी चार्जिंग। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो चलिए तो लाइक जरूर करिए और कमेंट कर वीडियो कैसे लगे, अगर आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। एज ऑलवेज, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।